मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं, उस काम में लगा हूं। इसी तरह से एक वेग है प्यास। प्यास एक बहुत बड़ा वेग है। भागवत जी कहते हैं कि जब प्यास लग रही है पानी जरूर पीजिए, रोकिए मत प्यास को, लेकिन पीने का तरीका है वो ध्यान रखिए। सिप सिप करके पीना है। बहुत तेज प्यास लगे तो भी सिप सिप करके ही पीजिए, जल्दी जल्दी पानी कभी भी पीने की कोशिश मत करिए। और वो कहते हैं कि ये जो जल्दी पानी पीने का तरीका है ना, इसमें से दो बीमारियां बहुत होंगी। एक जिसको आधुनिक भाषा में कहते हैं हर्निया, भागवत जी ने उसको कहा है आंत का उतरना, आज की भाषा में कहते हैं हर्निया। और दूसरा एक बीमारी है एपेंडिसाइटिस। पानी को जल्दी 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 पीने में ये दो बीमारियां सबसे ज्यादा है, हर्निया एपेंडिसाइटिस। और अगर उम्र बढ़ गई है आपको, उम्र बढ़ गई माने 60 वर्ष के ऊपर, और आप पानी इसी तरह से जल्दी जल्दी पी रहे हैं, तो हाइड्रोसिल की बीमारी भी होगी, प्रोस्टेट की भी प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए पानी हमेशा पीने का नियम ध्यान रखिए, सिप सिप। लेकिन जब भी प्यास आए तो पानी पीजिए, प्यास को रोकिए मत। एक ही जगह उन्होंने कहा है कि बिना प्यास के पानी पीजिए, वो सवेरे का है। उषापान के पानी की जो बात उन्होंने कही है कि सवेरे का समय ब्रह्म मुहूर्त का समय, ब्रह्म मुहूर्त हमेशा सूर्योदय से 1.5 घंटे पहले का माना जाता है, तो ब्रह्म मुहूर्त का समय जरूर पानी पीजिए बिना प्यास के। वही एक समय उन्होंने कहा है कि बिना प्यास के पानी पी सकते हैं, बाकी कभी भी पूरे दिन में उन्होंने कहा है कि प्यास लगे तो जरूर पानी पीजिए। बस नियम वही है कि खाने के तुरंत बाद मत पीजिए। अगर खाने के तुरंत बाद प्यास लगी है तो छाछ पीकर, मट्ठा पीकर, दूध पीकर या जूस पीकर प्यास बुझाइए, और 1.5 घंटे के बाद आप पानी पीकर प्यास बुझाइए। तो प्यास एक वेग है, इसको रोकिए मत। नहीं तो क्या होगा, प्यास रोकने से लगभग उन्होंने सूची बनाई है 58 रोग हैं। अगर प्यास रोकी आपने, जब प्यास लगी है और आप नहीं पी रहे हैं पानी, तो 58 रोग आएंगे। इसलिए वो कहते हैं कि ये आप कभी मत करिए। अच्छा, दूसरी तरफ एक बात और कहते हैं कि उषापान के समय को छोड़कर बाकी किसी भी समय में जबरदस्ती पानी पिएंगे तो भी तकलीफ आने वाली है।